अस्सलाम वालेकुम प्यारों मित्रों ते भरावों, हमने कहा कि पाकिस्तान में सबसे मशगूल तरीन काम जो है वो ये है कि हम शादी का खाना खाएं। तो एक दोस्त ने शादी का खाने में दावत दी और सुना था कि मेन्यू बहुत महंगा है और बड़ा अच्छा लेवल का है, और हमने कहा चलिए पैराडाइज होटल यहाँ बड़ा मशहूर है बैंकेट हॉल, उसका रिव्यू भी हो जाता है, तो लेट्स गो एंड सी द हॉल एंड द फूड। ये है पैराडाइज कॉम्प्लेक्स, और पैराडाइज कॉम्प्लेक्स जो है वसी पार्किंग के साथ मुख्तलिफ इसमें हॉल्स हैं, और ये इनका मेन बैंकेट हॉल है जिसमें हम आए हैं आज। आजकल की शादियों में शशके बहुत से हैं, सिर्फ और सिर्फ हॉल की डेकोरेशन, स्टेज की डेकोरेशन के अलावा खाने के अंदर भी बहुत से शशके हैं। इसके अंदर भी हमें एक शशका नज़र आया जो कि एपेटाइजर्स की फॉर्म में नज़र आया। ये हमारे वलीमा रिसेप्शन के लिखा हुआ शेरवानी साहब। अच्छा, ये एपेटाइजर्स का जो सेटअप है वो बनाया हुआ है, और इसमें फ्रूट्स, बिस्किट्स, मुख्तलिफ किस्म के वेफर्स, जेलीज थी डिप करने के लिए चॉकलेट फाउंटेन के अंदर। अच्छा स्टाइल था। अब मॉडर्न वेडिंग्स में इस तरह के शशके आपको नज़र आते रहते हैं। अच्छा, इस शादी में जो दूसरी चीज़ थी मज़ेदार वो ये थी इसकी वैरायटी ऑफ डिलाइट्स और जो स्वीट्स थी उसकी। आप देख सकते हैं इसमें मिठाइयाँ, पेस्ट्रीज, मुख्तलिफ किस्म के केक्स, उसके अलावा पुडिंग्स और हलवा पूरी, यानी हलवा था सिर्फ उसके अंदर, हलवा पूरी नहीं थी। उसके अलावा इसमें बहुत से किस्म की मिठाइयाँ, जेलीज और बहुत किस्म के मीठे थे। यकीन मान लें नाम लेना मुश्किल हुआ, वह इतनी किस्म की मिठाइयाँ और मीठे थे इसके अंदर। फालूदा भी था और रस मलाई भी थी। उसके बाद ये सैलड की सिलेक्शन थी, कप्स की फॉर्म में इन्होंने सैलड में जिसमें दही भल्ले, फ्रूट भी था, नूडल्स वगैरह भी थे, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें थी, और स्पेशली जो पीटा ब्रेड होती है वो भी थी, और उसके साथ हुम्मस भी अवेलेबल था। लेकिन फिर भी जो सैलड की सिलेक्शन थी इन्होंने अच्छी बनाई हुई थी, लेकिन मैं आई वॉज होपिंग कि इसमें रशियन सैलड और इस तरह की जो प्लेटर्स हैं वो भी अवेलेबल होंगी, लेकिन वो बहुत लिमिटेड रेंज में थे। फिर मीठों का शॉट देख सकते हैं आप, इसमें हर किस्म का मीठा था और इतनी ज़्यादा मिकदार में था कि एंड में बहुत बच भी गया था। पुडिंग का जायका बड़ा अजीब सा था, और ये मैं हुम्मस ट्राई करने लगा हूँ। मैंने आज तक इससे पहले किसी शादी में हुम्मस नहीं देखा, शायद ये जो फैमिली थी इसका ताल्लुक सऊदीया से ही है, तो इस वजह से मैंने स्पेशली हुम्मस ऐड करवाया था। ये देखें जी, बस ये सैलड का सेटअप था छोटा सा, जिसमें हुम्मस ने रखा हुआ था, सात चीज़ के अंदर रायता था और ये सात सैलड थी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि रशियन सैलड रहा हूँ। ये हम आ गए बुफे की तरफ। ये पाया और बोंग था, मटन पुलाव। मटन पुलाव के बाद ये रोस्टेड थी, मटन रोस्टेड था, भाप उठ रही है, टेस्टी भी सब बहुत आला था। ये चिकन शैशलिक है, उसके साथ दूसरी राइस थी जो कि वेजिटेबल राइस थी, और वेजिटेबल राइस के साथ ये सीख कबाब थे चिकन के। धुएं से पता चल रहा है कि कितना फ्रेश काम था। और ये वेजिटेबल थी, मिक्स वेजिटेबल्स, गाजर, आलू वगैरह। और ये था हलवा, और ये सबसे मज़ेदार मीठों में हलवा ये था, गर्म था और बहुत मज़ेदार था। ये टिक्के हैं, चिकन टिक्का। ये आ गया जी नान, और नान दो किस्म के थे, प्लेन भी थे और दूसरे वाले भी थे रोगनी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट श्रिम्प्स। होटल की सेटिंग इतनी अच्छी थी कि खाना गरम गरम सर्व हो रहा था। ये हम टेबल पे हमें स्पेशली खाना सर्व किया गया, हमें बुफे में नहीं जाना पड़ा। और सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी इसमें कि सारा कुछ खाना सर्व हो रहा था और जल्दी जल्दी सर्व हो रहा था, और बिल्कुल हर दफ़ा फ्रेश फ्लैटर्स आते थे। अब ये सारा मैं खाना डाल रहा हूँ और अब इसको टेस्ट करेंगे। सबसे मज़ेदार जो था इसमें ये मटन था, जो मटन रोस्ट हुआ हुआ था,
और श्रिम्स थे अच्छे थे लेकिन चुई थे बहुत ज़्यादा, तो इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन मटन का बहुत अच्छा लगा और मिर्च मसाले बहुत नॉर्मल थे। श्रिम्प थोड़े चुई थे लेकिन फिर भी टेस्टी थे। टिक्का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरह पका हुआ था। और सीख कबाब सबसे मज़ेदार थे, ना ज़्यादा सॉफ्ट थे ना ज़्यादा सख्त थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।